बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपको मेरी पिछली वीडियोस पसंद आई होंगी। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको जो भी अपडेटेड वीडियो हो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आज हम एक व्यूवर की रिक्वेस्ट के ऊपर ये वीडियो बना रहे हैं। उन्होंने स्टोर मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में पूछा था। आज मैं आपको बताता हूँ कि जो स्टोर मैनेजमेंट के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ई कोर्स हैं वो कौन से हैं। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 14 कोर्स मैंने लिखे हैं। अगर आप स्टोर मैनेज कर रहे हैं या इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हैं तो ये 14 कोर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबसे पहले इन 14 कोर्स को अपने SAP में फेवरेट्स में जाकर सेव कर लें ताकि इन जो भी आपकी ट्रांजैक्शन होगी वो इन्हीं 14 कोर्स के अंदर होगी। अभी मैं वन बाय वन इन 14 कोर्स को एलैबोरेट करता हूँ और इनकी डिटेल जो है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और मैं हर एक टी कोड को एक्सप्लेन करके बताऊंगा। सबसे पहला टी कोड है MB51। ये टी कोड यूज़ किया जाता है मटेरियल ट्रांजैक्शंस के लिए, मटेरियल्स की ट्रांजैक्शंस को देखने के लिए। फॉर एग्जांपल आप देखना चाहते हैं कि 1 जून से 15 जून तक कौन सी ट्रांजेक्शन हुई हैं, कितना मटीरियल इन हुआ है, कितना मटीरियल आउट हुआ है, कौन सी सेल्स इनवाइसेस बनी है, कोई डैमेज मटेरियल इशू हुआ है, कुछ भी इन आउट रिलेटेड टू एनी मटेरियल, इट विल बी इन MB51। आप MB51 में जाकर अपनी डिटेल डाल सकते हैं, मटेरियल डालेंगे, आप स्टोर डालेंगे, प्लांट डालेंगे, डेट डालेंगे और आपको मटेरियल ट्रांजैक्शंस जो हैं वो ये टी कोड बताएगा। दूसरा टी कोड है MB5B। MB5B को हम यूज़ करते हैं डेटेड स्टॉक देखने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देखना चाहता हूँ कि अभी फॉर एग्ज़ाम्पल 1 जून से 15 जून तक जो है वो हमारा क्या स्टॉक रहा है, लाइक 15 जून को हमारा क्या स्टॉक था, लेकिन हम पीरियड सेलेक्ट कर रहे हैं 1 जून से 15 जून तक। तो जब हम इस ट्री कोड में जाकर चेक करेंगे तो मटीरियल तो सिस्टम हमें बताएगा कि 1 जून से 15 जून तक हमारा इतना मटीरियल इन हुआ, हमारा इतना मटीरियल आउट हुआ और जो हमारे पास रिमेनिंग मटेरियल है ऑन 15 जून वो इतना है और इसकी टोटल वैल्यू ये है। यह टी कोड आपको डिटेल में नहीं बताएगा, ये समराइज रिपोर्ट देगा आपको उस मटेरियल के बारे में जिस मटेरियल के बारे में आप चेक करना चाहते हैं। तीसरा टी कोड है MB52। MB52 आपको स्टॉक ऑन हैंड बताएगा। इस टी कोड में आपको सिर्फ और सिर्फ मटेरियल अवेलेबल या स्टॉक अवेलेबल या इन्वेंट्री अवेलेबल ही दिखाई जाएगी। ये बहुत ही समराइज जो है वो टी कोड होगा। उसके बाद फोर्थ इंपॉर्टेंट टी कोड है वो है MMBE। MMBE टी कोड यूज़ किया जाता है किसी भी मटेरियल का बैच नंबर जानने के लिए कि अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके पास जितना भी स्टॉक है उसका क्या बैच नंबर है, उसमें कितने बैच जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं, तो MMBE ये टी कोड जो है वो यूज़ किया जाएगा। उसके बाद फिफ्थ टी कोड आ जाता है MB5S। MB5S टी कोड को यूज़ किया जाता है देखने के लिए कि लिस्ट ऑफ GR एंड IR बैलेंस बराबर है या नहीं। GR का मतलब होता है गुड्स रिसीव और IR का मतलब होता है इनवाइस रिसीव। GR एंड IR के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको एलैबोरेट करता चलूं कि GR यानी जब हम लोग मीगो में मटेरियल रिसीव करते हैं और वो मटेरियल जो है वो GR IR के एक रिकॉन्सिलिएशन अकाउंट में चला जाता है और जब हम इनवाइस वेंडर इनवाइस सिस्टम में एंटर करते हैं अगेंस्ट द रिसीविंग ऑफ मटीरियल डेट वॉज डन इन मीगो, तो GR IR का जो रिकॉन्सिलिएशन अकाउंट होता है वो ज़ीरो हो जाता है। यानी MB5S से हम देख सकते हैं कि कौन से मटेरियल रिसीव हो चुके हैं और उनमें से कौन से ऐसे मटेरियल हैं जिनकी इनवाइसेस अभी तक एंटर नहीं की गई सिस्टम में। उसके बाद जो सिक्स टी कोड है ये है हमारा MB1C। ये है अदर गुड्स रिसीव्स, यानी आप अगर इनिशियल स्टॉक को सिस्टम में एंटर करना चाहते हैं या आप कोई भी मटेरियल एंटर करना चाहते हैं विदाउट परचेज ऑर्डर तो आप MB1C को यूज़ करेंगे। MB1C एक बहुत ही वाइड टी कोड है, इसमें बहुत सी ट्रांजेक्शन की जा सकती हैं, लेकिन मैं आपको बस बेसिकली अभी लॉजिक समझा रहा हूँ कि ये टी कोड किस लिए यूज़ होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोस में जो है वो तमाम टी कोड्स को एक्सप्लेन करेंगे। सो MB1C जो है वो
कोई भी इनिशियल स्टॉक रिसीव करना है या कोई भी मटेरियल रिसीव करना है आपने विदाउट परचेज ऑर्डर, तो आप MB1C को यूज करेंगे। MIGU इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ई कोड इन SAP रिलेटेड टू द मटेरियल मैनेजमेंट। MIGO इसको बोला जाता है। MIGO में आप हर तरह की रिसीविंग, हर तरह की मटेरियल इशुएंस करते हैं। आपने बैच टू बैच ट्रांसफ़र करना है, आपने स्टोर टू स्टोर ट्रांसफ़र करना है, आपने मटेरियल को स्क्रैप करना है। ये एक बहुत ही वाइड टी कोड है। इसके बारे में हम जो है वो एक स्पेशल वीडियो डालेंगे। ऑलरेडी मैंने पहले वीडियोस डाल दी हैं कि हम मटेरियल MIGO में कैसे रिसीव करते हैं अगेंस्ट परचेज ऑर्डर, और उसके अलावा इसमें अभी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो अभी आपको बताने वाली हैं। जैसे कि आपको बता चुका हूँ, स्क्रैपिंग भी मैं आपको बता चुका हूँ, प्लांट टू प्लांट कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है, मटेरियल टू मटेरियल कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है, बैच टू बैच कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है, ये सब ट्रांजेक्शन जो हैं आपकी MIGO में होती हैं। उसके बाद एट्थ हमारा टी कोड आ जाता है MI10। MI10 इसको बोला जाता है, क्वान्टिटी एडजस्टमेंट इसको बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके स्टोर और आपका सिस्टम वेरी नहीं कर रहा और देर इज़ अ वेरी स्मॉल डिफरेंस, और आपकी मैनेजमेंट आपको अप्रूव कर रही है कि आप वो जो जो डिफरेंस आ रहा है उसको सिस्टम में एंटर कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, तो MI10 आप टी कोड यूज़ करेंगे। उसके बाद टी कोड है MM60। ये आप मटेरियल लिस्ट देखना चाहते हैं कि आपके स्टोर में कितना जो है वो कितना जो है वो मटेरियल जो है वो क्रिएट किया गया हुआ है, तो वो आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं कि हमारे स्टोर से रिलेटेड ये मटेरियल सिस्टम में एंटर्ड है। इट्स नॉट अबाउट स्टॉक अवेलेबिलिटी, इट्स ओनली अबाउट कि कौन से मटेरियल क्रिएट किए जा चुके हैं। सो वो देखने के लिए आप MM60 को यूज़ करेंगे। उसके बाद आ जाता है टी कोड नंबर 10 MC.1। ये प्लांट एनालिसिस है, ये स्टॉक और स्टॉक की वैल्यू के बारे में आपको बताएगा कि आप एनालाइज कर सकते हैं कि ये स्टॉक कितना है और इसकी वैल्यू कितनी है, और ये स्टॉक कितना है इसकी वैल्यू कितनी सिस्टम में पड़ी हुई है। उसके बाद टी कोड आ जाता है MR21, प्राइस चेंजिंग। इट इज़ ऑल रिलेटेड टू द कॉस्टिंग। अगर आप एनालिसिस करते हैं और या रिकॉन्सिलिएशन करते हैं और आपको पता चलता है कि ये मटेरियल जो है इसकी कॉस्टिंग ठीक नहीं जा रही, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि आप मटेरियल ज़्यादा प्राइस से ले रहे होते हैं और सडनली जो है ना, या आपको डिस्काउंट मिल जाती है या फिर मटेरियल की प्राइस कम हो जाती है, तो सिस्टम जो है सम टाइम प्राइस को एडजस्ट कर देता है एवरेज के ऊपर। तो आप MR21 में जाकर उस प्राइस को एडजस्ट कर सकते हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ द मटेरियल जो है वो उसके ऊपर इफेक्ट करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर मटेरियल में आपको मटेरियल सिस्टम में अगर आपको मटेरियल ए दिखाया जा रहा है कि ये 10 रुपीज़ या 10 दिरहम पर स्क्वायर मीटर है, और जो आप अगर देखते हैं कि जो फिज़िकली जो उसकी वैल्यू है वो 11 है, तो आप सिस्टम में जाकर उसकी जो वैल्यू है उसको 11 कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ 12th जो है टी कोड वो है MM03। ये मटेरियल जो है, ये जो टी कोड है, ये मटेरियल को डिस्प्ले के लिए यूज़ किया जाता है। ये यूज़ किया जाता है जब आपका डिपार्टमेंट किसी मटेरियल को क्रिएट करता है, तो वो क्रिएट करता है MM01 में। तो MM03 जो है वो हम उसमें जाकर देख सकते हैं कि इसमें क्रिएशन में कौन से अकाउंट्स यूज़ किए गए हैं, इस मटेरियल की बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है, इसके सब लेजर्स कौन से हैं, इसके अंडर रिकॉन्सिलिएशन अकाउंट कौन से हैं। इट इज़ ऑल अबाउट द बैक एंड ऑफ द मटेरियल, कि जो आपके सिस्टम में मटेरियल है उसके बैक एंड के ऊपर क्या सेटिंग डाली गई है, तो उसके लिए हम देख सकते हैं MM03। 13th हमारा टी कोड है MI02, चेंज इन्वेंट्री डॉक्यूमेंट। जब भी हम किसी मटेरियल या इन्वेंट्री को सिस्टम में एंटर करते हैं, तो सिस्टम एक नंबर असाइन करता है। अगर हम उस नंबर को चेंज करना चाहते हैं, तो वो MI02। ये टी कोड जो है ये बहुत रेयरली यूज़ किया जाता है, इस टी कोड को ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। बहुत रेयर चांस होते हैं कि इस टी कोड को यूज़ किया जाए। और MM04 में जो है वो हम देख सकेंगे कि कौन से मटेरियल की डॉक्यूमेंट नंबर चेंज किया गया है। यानी आप कह सकते हैं कि जो टी कोड नंबर 13 और 14 है, ये ज़्यादा यूजेबल नहीं है। तो नाज़रीन, आज हमने सीखा है कि हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट या स्टोर मैनेजमेंट अगर करना चाहते हैं, तो उसके लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट टी कोड्स कौन से हैं, और वो टी कोड्स आपके स्क्रीन पे इस टाइम सामने हैं। 12 टी कोड्स हैं, ये आप लिख लें। अगर आप इन 12 टी कोड्स के ऊपर
ग्रिप कर लेते हैं और आपको इन ट्वेल्व टी कोर्स की समझ आ जाती है, तो आप बहुत इजीली अपना स्टोर मैनेज कर सकते हैं, इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।